कोविड-19 वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा की गई तथा अब तक किए गए वह भी टीकाकरण का प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और अब आम लोगों का रजिस्ट्रेशन कर कोविड का वैक्सीनेशन कराया जाए। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के दौरान अब तक कोई भी इन्फेक्शन की खबर नहीं मिली है, इसलिए सभी लोगों को निर्भीक होकर कोविड-19 का वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाया जा सके। आज कोरोना वैक्सीनेशन का के लिए मीटिंग बुलाई गई है। आज के दिन हम 15 हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल से, बाकी हमारे सरकारी हॉस्पिटल से हो रहा है और 4 जगहों पर हम सिर्फ एक्सक्लूसिव महिलाओं के लिए हमने रखा हुआ है। आज एक्सक्लूसिव महिलाओं के लिए सर, वहाँ सारे स्टाफ ही महिला है और टीकाकरण में महिला है, उसमें से जिला महिला निदेशालय मैडम की अध्यक्षता में रहा है और एक हमारी अटल पी एस सी है बसंत, उसमें चल रहा है, एक अग्नि पी एस सी है उसमें चल रहा है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल हॉस्पिटल है उसमें चल रहा है। तो आज के दिन टीकाकरण अच्छी तरह चल रहा है। हमारा आज का लक्ष्य 10,000 से ऊपर का लक्ष्य, तो अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसमें हम अच्छी प्रगति हमारी अच्छी है। शाम तक WHO रिपोर्ट, क्योंकि ऑनलाइन रिपोर्ट सबमिट होती है तो ये लोग निकालेंगे, इसके बाद पता चलता है कि हमारी जो अभी तक हम 52,000 से ऊपर ज़्यादा लोगों का टीकाकरण कर चुके हैं जी। डिटेल्स रश्मि गोस्वामी जी बताएंगे। वो मुद्दा सामने जो था कि पोर्टल पर कुछ लोग और जहाँ जहाँ पोर्टल नहीं चल रहा था वहाँ वहाँ लोगों ने टीका तो लगवा लिया, लेकिन हम इंटर नहीं कर पाए उसको। तो अब ये व्यवस्था आ गई है कि ज़्यादा गैप है, एक महिला चिकित्सालय है, एक पुरुष चिकित्सालय है और तीसरा जो है चरगा वाले। लेकिन जैसे आपने टीम बना ली जिसको डेटा एंटर करना जी, वही 21% दिखा रहा है। हाँ तो सर सुबह सर से बात हुआ है सर, हम लोग को दो चीज़ करना पड़ेगा। एक पीछे का जो बैकलॉग है पहले उसको 2-3 दिन में एंट्री करवाना पड़ेगा। पहले ये परसों भी यही बात हुई सी एम सर, ये 2-3 परसेंट वो हुआ नहीं है सर उस पर। दूसरा चीज़ है सर, क्योंकि सर 100 सेशन लगभग चलेंगे तो 10,000 के करीब होंगे, शिद्दत से मॉनिटर नहीं करोगे वो बैकलॉग बढ़ता ही जाएगा। मतलब टोटल मतलब एकदम आपको वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर हमने मॉनिटर नहीं किया, डे टू डे रिपोर्टिंग नहीं देखी, डे टू डे मॉनिटरिंग नहीं की, तो ये जो गैप है ये बढ़ता ही जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप किसी भी एक DCMO जो आपके हैं वो एक डेडिकेटेड शाम को लगा दीजिए, प्लीज वो डेडिकेटेड ट्रैक के इस पर करेगा और शाम को फिर ऐसा करते हैं भी कि मुझे लेनी पड़ेगी रिपोर्टिंग और भी भेजनी है तो आज से मैं रिपोर्टिंग स्टार्ट कर देता हूँ, तो आप मुझे डेली बताओगे सर सबसे कितना बैकलॉग कितना कोविन पे वो लोग चढ़ा दे, डेली का डेली रिपोर्ट करें या तो बस सर उससे पता चल जाएगा कि अगर, और ये सर ये बताया गया है कि अगले दिन शाम 5 बजे तक एंट्री किया जा सकता है। लेकिन सर तो वैक्सीन उसके उसमें हमारा खर्च होता है और वो डेटा जो कोविन में दिखता है कुछ जनपद के साथ है, ठीक है उसमें हम कुछ बड़ा जनपद है या अपना डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से फॉर्मल स्ट्रक्चर उसको कर लेंगे लोग काउंट करें। दिल्ली में जो टीम बैठी हुई है कैसे करेंगे सर जी, वो वैक्सीन का खर्च जो है कि वही इवेंट के थ्रू अपडेट करेंगे, अभी वो लोग मैनुअल ले रहे हैं 7 तारीख से। सर अभी देखिए जैसे 15,000 का आ रहा है, मान लो प्राइवेट 4,000 मान लेते हैं और लोग इतना आएंगे तो 1-2,000, तो 7-8,000 का डिफरेंस से ये 0% तो नहीं होगा। लेकिन सर अभी भी कहीं ना कहीं 3-4-5 हज़ार सर ऐसा है जो कोविन पोर्टल में एंट्री होना बाकी है, इसको हम लोग को करवाना पड़ेगा क्योंकि 7% स्टेट में लगता है। कितने लोग हैं? हां नहीं, यहां भी सेंटर चल रहा है, अनअंडरसिफाइड ब्लॉक ज्यादा आ जा रहा है, मतलब उसका ब्लॉक पता नहीं चल रहा है। 25,102 स्लाइड दिए सर आपको जो कोविन पोर्टल से पहला 2 स्लाइड उसमें सर बता रहा है कि अभी हम लोग जितने भी 50,989 हम लोग के रजिस्टर्ड हुए हैं कोविन पोर्टल में,
जिनको 96% है, 49,000 हम लोग एक ना एक बार शेड्यूल कर दिए, हो सकता है कोई आया हो कोई नहीं आया कोई भी कारण के वजह से। और अभी तक 24,317 जो है उन लोगों को हम लोग एक बार जरूर डोज देंगे, एक डोज है ठीक है सर। और उसके साथ 12,000 लोगों को, 700 लोगों को दो डोज लग चुका है, तो इनको तो 37,000 ऐसे लोग हैं जिनको एक डोज लगा है। और तो इन जनरल जो 5,500 पहला डोज सेकंड डोज मिला के 49,000 हुआ है। अब सर डिपेंड, तो ओवरऑल जो कवरेज दिखा रहा है सर 73% दिखा रहा है फर्स्ट डोज कवरेज के लिए, जो बात हो रहा था कि लो कवरेज का 73, और सेकंड डोज का कवरेज दिखा रहा है जो जितना टारगेट का 35। ये तो कोई इशू नहीं है क्योंकि सर अभी शेड्यूल होगा, इशू हमारा फर्स्ट डोज का है क्योंकि सेकंड डोज तो आगे होने वाला है। सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो कोविन पे कवरेज दिखा रहा है 69% दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अभी भी 31% छूटे हुए हैं। आपका हेल्थ का 46 दिखा रहा है, 74% इसमें सर एक चीज अभी बात हो रहा था सर एक चीज क्लियर हो जाएगी आप लोग की, जो भी हेल्थ वर्कर फ्रंटलाइन वर्कर है आज का डेट में मान लीजिए पहले रजिस्टर नहीं हुए थे तब भी दे सकते हैं, तो कृपया करके जो कंसर्न डिपार्टमेंट में है सर सब इसमें सर जो मैंने देखा था गोरखपुर का पुलिस का थोड़ा 72-75 है। ज्यादा पे कह रहा है कि